हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मैं हूं वेदिका मालपानी और मैं हूं रोहन कुमार राय। जिनके चश्मों को देखकर आज लग रहा है वो बने हैं बुबला रॉय। डोंट गेट इट रॉन्ग, दैट इज एक्चुअली आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर नेम इन मेरी प्यारी बिंदु। मेरी प्यारी बिंदु इज द फिल्म दैट इज कम आउट टुडे व्हिच इज फ्राइडे, दो हफ्ते के बाहुबली के अटैक के बाद। एंड स्टोरी के बारे में आप कुछ कहेंगे? ऑफ कोर्स। सो मेरी प्यारी बिंदु इज द स्टोरी ऑफ अ स्टोरी टेलर, एक्चुअली अ राइटर हु इज गोइंग थ्रू अ राइटर्स ब्लॉक। वैसे तो वो बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी सारी यू नो हॉरर सेक्स नॉवल्स लिखी हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं, लेकिन इस बार वो अपनी पहली रोमांटिक नॉवल लिख रहे हैं। एंड फॉर दैट ही गोज टू हिज होम टाउन एंड ही स्टार्ट्स रीलिविंग द डेज विच ही स्पेंट विद हिज बेस्ट फ्रेंड हिज लव बिंदु, और वहाँ से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट्स अनफोल्डिंग। वैसे ये जो उनकी लव स्टोरी है वो कोई ऐसी वैसी लव स्टोरी नहीं है जो हम आए दिन स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं। मतलब ये तो बात है, मतलब ये एक अलग किस्म की नई रिफ्रेशिंग सी लव स्टोरी है जो धीरे धीरे जैसे जैसे अनफोल्ड होती जाती है ना स्क्रीन के ऊपर, आपको पर मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इनफैक्ट स्पेशल क्रेडिट शुड गो टू द स्क्रीन पे विच इज बीन रिटन बाय सुप्रतिम सेन गुप्ता। मतलब इन्होंने कितना ब्यूटिफुली स्क्रीन प्ले को लिखा है। Every scene, every moment has been so perfectly crafted and placed in the film ना कि मतलब क्या कहना। और इसको support करते हैं the actors, तो acting point of view से आयुष्मान खुराना beautiful, natural, in front आप तो देखे ना, मैं तो first copy बनाऊँ because I've liked him so much in the film। मतलब यार he's playing a writer in the film और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि he is out of that character। इनके अलावा Parineeti again is great, मतलब amazing, natural, superb, ये तो बोलना normal बात हो गई। In fact it is safe to say I think कि आयुष्मान and Parineeti का this is one of the best performances till date। इनके अलावा special mention जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए सपोर्टिंग कास्ट के लिए, मतलब सब लोग बहुत अच्छे, खास करके आयुष्मान के मम्मी पापा वो और अपराजिता आध्या एंड रजतवा दत्ता, इन्होंने भी मतलब क्या सुपर्ब काम किया है। एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग इज क्वाइट क्रिस्प। जो फर्स्ट हाफ है मूवी का वो तो एक ठंडे हवा के झोंके की तरह निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, इट इज सो मच फन। लेकिन जो सेकेंड हाफ है I think it's a bit stretched, especially the climax. वो अगर थोड़ा सा छोटा हो जाता तो शायद और मजे आते। Cinematography of the movie is done brilliantly. It's filled with all the meaningful shots rather than just the beautiful visuals. वैसे credit should also go to the director. इस केस में है डेब्यूटेंट डायरेक्टर अक्षय रॉय, जिन्होंने भाई अपने स्टाइल में एक कहानी लव स्टोरी को वापस से अलग तरीके से और बड़े ब्यूटीफुल तरीके से बताया। वैसे ये भाई साहब जो है he has been an assistant on films like Laksh, The Namesake, Water, The Bone Supremacy and a couple of other projects also. So he is in fact one director to actually watch out for in the future. मुझे तो ऐसा लगता है बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे यार। और स्पेशल मेंशन करना चाहिए हमें म्यूजिक के बारे में, which we think is very amazing. I mean, जितने भी पुराने गाने डाले गए हैं, मतलब वो क्या nostalgia factor है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इन गानों को देख के आपको you know फिर से अपनी love stories ध्यान आ जाए, या फिर love story ध्यान आ जाए। I think love stories होगा, because वो कहते हैं ना कि सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, और बहुत सारे केसेस में लोगों को उनका पहला प्यार नहीं मिलता। तो you know ये तो हमारा रिव्यू था ऑन मेरी प्यारी बिंदु। आपको ये फिल्म कितनी प्यारी लगी, कितनी नकारी लगी, हमें जरूर बताइएगा। और आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। Like she always says, hi, hello के अलावा, please कुछ और भी डाल दिया करिए। और हाँ, just by the by, मेरा नाम बुबला रॉय नहीं है, okay? For the record, बोलना जरूरी है। Bye. Bye.